हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गाइस चने की दाल के फरे। चने की दाल के फरे बनाने के लिए गाइस मैंने 4 घंटे पहले इस दाल को भिगो दिया था। अब ये दाल भीग चुकी है। भीगने के बाद इसको क्या करेंगे, 2-3 बार धोने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो मिलते हैं गाइस मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से भीग चुकी है ये चने की दाल। मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए मिक्सर लेंगे और इसमें डाल देंगे चने की दाल और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक टुकड़ा जिंजर का। जिंजर को कद्दूकस कर लेंगे या चाकू से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरीके से। तो जिंजर को इस तरीके से मैंने काट के डाल दिए हैं। चने की दाल को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। चने की दाल को गैस मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से। ना ज़्यादा मोटा करना है ना ज़्यादा महीन करना है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने दरदरी दाल को इस तरीके से पीसा है। थोड़ा मोटा ही पीसा है और एक दो दाल अगर रह भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 चुटकी, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, आधा टीस्पून से कम जीरा, भुना हुआ जीरा मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ 1/2 टीस्पून से कम। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फरा बनाने के लिए अंदर का डो बनके तैयार हो गया है। अब इसका फरा के लिए ऊपर का डो तैयार करेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये तैयार हो गया है फरा के लिए अंदर भरने के लिए मसाला। चने की दाल के फरे बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने आटा लिया है और इसको छलनी से छान लेंगे। छानने के बाद फिर फ्राई बनाने के लिए इसका डो तैयार करेंगे। पहले तो सूखा आटा थोड़ा सा निकाल देंगे। 1/2 कटोरी आटे में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून ऑयल, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे और ना ज़्यादा गर्म लेना है ना ठंडा, नॉर्मल लेना है। और इसका डो तैयार कर लेंगे। डो गाइस उस तरीके से तैयार करना है, ना ही पराठे का डो तैयार करना है ना ही पूड़ी का। तो जो पराठे का डो सॉफ्ट होता है उससे ही थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। तो इसका डो तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इसका डो तैयार कर लिया है आटे का। रख लेंगे सूखा आटा, बेलने में आसानी रहेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है, जैसे पराठे के लिए डो तैयार करते हैं वैसा ही डो तैयार कर लिया है। अंदर भरने के लिए जो मैंने चने की दाल का पेस्ट तैयार किया था इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें डालेंगे गाइस हींग 1/2 टीस्पून। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप हींग डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका डो और खुशबू आएगी हींग की। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो फेंटने के बाद ये हल्की हो जाती है। तो ये परफेक्ट डो तैयार हो गया है परा बनाने के लिए। चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे और रखेंगे लोहे की कढ़ाई आयरन वाली और इसमें डाल देंगे पानी 3 गिलास। जब तक ये पानी में खौल आ रही है तब तक अपनी फरे तैयार कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पानी में खौल आने वाली है। तो इसमें डाल देंगे पानी में 1 चुटकी आटा। आटे से फरे में जो लस होता है बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए 1 चुटकी मैंने इसमें आटे में डालने से फरा आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने वाले हैं। और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार 1 चुटकी नमक। फरा बनाने के लिए गैस लेंगे चका बेलन। अब ये डो बनके तैयार हो गया है चने का पेस्ट। इसको फेंट लेंगे थोड़ा सा और
आटे का वीडियो परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसकी लोई तोड़ लेंगे, सूखा आटा लगा लेंगे, गोल कर लेंगे, चक्की पे रख लेंगे। इस तरीके से लोई बना लेंगे। तो लोई को थोड़ा छोटा ही बनाना है, जिस हिसाब से रोटी पराठा बनाते हैं, पूड़ी वाले आकार में ले लेंगे। सूखा आटा इसमें डालेंगे और बेल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूड़ी के आकार में बेल लिया है। तो इसी तरीके से एक और बेल लेंगे, सूखा आटा डालेंगे, इसको भी बेल लेंगे। तो ये परफेक्ट बेल चुका है गाइस फरा के लिए। तो आप जो भी शेप देना चाहें तो इसमें दे सकते हैं। तो मैं तो मोमोज के आकार का शेप दे रही हूँ। तो इसमें रख लेंगे चने का पेस्ट, जो भी डो बनाया था चटपटा मसालेदार, और इसमें इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और जैसे मोमोज बनाते हैं उसी आकार में से मोमोज बना लेंगे। तो ये चने की दाल के फरे इस तरीके से बन गए हैं। तो आपको फरे की वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं नाश्ता, इस तरीके से आप खाइएगा। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो पानी खोल चुका है, तो इसी तरीके से फरे बना के तैयार कर लेंगे। पानी में गैस खोल आ चुकी है ऑलरेडी, मैंने इसमें नमक और सूखा आटा डाल दिया था पहले। तो ये फरा भी बन के तैयार हो गया है, अब ये गया पानी में, अब इसमें खोल लगाएंगे, इसी तरीके से सारे फरे बना लेंगे। इस तरीके से पहले मोमोज मैंने इसके अंदर चने का पेस्ट भरा है, और मोमोज की तरीके इस तरीके से गोल कर देंगे और इसको बीच से इस तरीके से दबा देंगे, और सारे फरे इस तरीके से बना के कढ़ाई में डाल देंगे और इसमें खोल लगाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं सारे फरे बना के मैंने इस तरीके से कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे ऑयल 1 टीस्पून, ऑलरेडी पहले मैंने डाल दिए थे, फरे थोड़े ज़्यादा हैं तो 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है। अब इसमें लगाएंगे खोल, तो गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और इसको ढक देंगे। तो एक बड़ी थाली ले लेंगे और उससे ढक देंगे, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें खोल आ गई है, और इस तरीके से खोलने के बाद ये बाहर पानी निकलने लगता है। तो इस तरीके से इसको ज़रा सा खोल देंगे ताकि बाहर ना निकले। तो गाइस इस अब फरा जो है इस तरीके से इसकी दिशा चेंज कर देंगे, दिशा चेंज करने के लिए इसको पलट देंगे, और एक तरफ तो परफेक्ट बन चुके हैं फरे, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से पलट देंगे। बहुत ही सावधानी से पलटेंगे, खोलता हुआ पानी है। तो सारे फरे मैंने इस तरीके से पलट दिए हैं। इसका रसा थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा एक चुटकी आटा यानी 1 टीस्पून इसके ऊपर डाल देंगे सूखा आटा, ताकि रसा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और फर आपके बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। चाहे तो आप इसको चाहे तो आप गीले खाइएगा या फ्राई करके खाइएगा, दोनों तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगी कि किस तरीके से तुम खाते हैं। तो गीले किस तरीके से खाते हैं, गीले करने के लिए तो पहले इसको इस तरीके से गीले होते हैं, तो इसको कटिंग करने के बाद चटनी से खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और फ्राई करके भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इसको फरों को पलट दिए हैं, और इसमें इस तरीके से कड़छी लगा देंगे और इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सुबह 10 मिनट हो चुका है, और फरे के लिए निकालेंगे। तो इसमें परफेक्ट खोल आ चुकी है, सुबह इस फरा बन के तैयार हो गए हैं, और इसको सर्व कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि आटा अब इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, और इस तरीके से बनकर तैयार हो गए। एक कांटा लेंगे, कांटे से इस तरीके से दबा के देखेंगे तो ये बन चुके हैं। सर्व करने के लिए एक फरा लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा आटा,
तो ये मैंने सर्व कर लिया है। और चाकू लेंगे, चाकू से फराह के लिए इस तरीके से कटिंग कर देंगे जो भी शेप देना चाहें। क्योंकि गर्म है तो इस तरीके से गाइस फरा बन के तैयार हो गया है। तो ये रहा चटपटा फरा, इसके ऊपर डालेंगे घी 2 टीस्पून, सो गाइस आप देख सकते हैं कि फरा बन के तैयार हो गए हैं। मैंने रखा है टमाटो सॉस और ये हरी वाली चटनी आमचूर वाली और धनिया मिर्च लहसुन की, जो अपने नोटिफिकेशन दे सकते हैं चटनी किस तरीके से मैं बनाती हूँ, और टमाटो सॉस। और ये फरा बन के तैयार हो गए हैं। तो सर गाइज़ आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी बने हैं। तो गाइज़ आपको फरा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो ये रहा फरा, इस तरीके से खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और चाय के साथ खाइएगा, चाहे तो आप विदाउट चाय खाइएगा। अभी पूरी वीडियो देखिएगा, अब मैं फ्राई वाले फरा बना के दिखाऊंगी। तो गैस ये गीले वाले फरे, रसे वाले फरे जो अच्छे लगते हैं, तो बन के तैयार हो गए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गैस राधे राधे। सो गैस आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो भगोसे बनाए थे, तो अब इसको फ्राई करेंगे। कलहाड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भगोसे की कटिंग करेंगे। तो गाइस ये बकोसे हैं इस तरीके से जो बनाए थे, और ये ठंडे हो गए हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए पहले इसको बीच से काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बकोसे बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। गीले अगर खाएं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये फ्राई वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो फटाफट मैं करूँगी इनको फ्राई, और साथ में बनाएंगे चाय। चाय के साथ कोई गेस्ट आ जाए आपके, तो आप इसको चाय के साथ नाश्ता सर्व कर सकते हैं इस तरीके से। मैंने कटिंग कर ली है भगोसे की, जो भी शेप देना चाहें उससे वही शेप से आप काट सकते हैं। तो ये रहेगा इस भगोसे कट के तैयार हो गए हैं, ये भगोसे की कटिंग। चलते हैं गैस की तरफ। तो भगोसे फ्राई करेंगे गैस, इस तरीके से आप भगोसे बना सकते हैं। ये कटिंग वाले भगोसे हैं। गैस को ऑन करेंगे, इसमें रखी है मैंने आयरन वाली कढ़ाई, और इसमें डाला है ऑयल। इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, खोलेंगे मसालदान, और मसालदान से निकालेंगे सामान। तो इसमें डालेंगे जीरा एक चुटकी, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून से कम। तो ये पकोसे जो बनाए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे, चाहे तो आपको अगर प्याज लहसुन से फ्राई करना है तो उसके भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल मैंने प्याज लहसुन का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर आप प्याज डालना चाहें तो उसमें पकोसे में डाल सकते हैं, और फ्राई में भी आप डाल सकते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इसको चलाएंगे। अब थोड़ा सा जो पानी बचा था वो इसमें डाल देंगे भकोसे वाला। ऊपर एक चुटकी मिर्च और डाल देंगे, और लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो ये पकोचे गाइस फ्राई हो चुके हैं। तो आप इसमें हरा मिर्च ऑलरेडी बहुत है, धनिया वगैरह डाल के आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट बन चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप पकोचे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है पकोचा बनने में, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आपके घर कोई गेस्ट आया है तो आप उसको 20 मिनट के अंदर भगोसे बना के खिला सकते हैं। अगर आपने दाल पहले से भिगो रखी है तो पहले से पता चल जाता है कि गेस्ट आने वाले हैं, तो दाल पहले भिगो दीजिए।
चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए एक प्लेट लेंगे और ये रखे हमने पकोसे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये चने की दाल के पकोसे बनके तैयार हो गए हैं और ये हरी चटनी और इसके साथ रखा है मैंने टमाटो सॉस। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं पकोसे चने की दाल के। आपको ये रेसिपी चने की दाल की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और खाइएगा चटपटे मसालेदार पकोसे। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी ऑप्शन में नया चैनल है जो शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और खाइएगा भगोसे गर्मा गर्म चाय के साथ। थैंक यू भाई, राधे राधे, श्री कृष्णा।